दूसरे देशों से आए हुए जो यात्री हैं, what I'm saying is all those who are from different countries, a special welcome to all of you who come here. It demonstrates your commitment. It demonstrates your commitment. It demonstrates your thoughts for not today, but towards the next generation. सभी यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सदस्यगण, बहुत खुशी हुई आज आप सबके बीच में आकर आपने अभी आपको सुना कि उनकी यात्रा किस प्रकार रही। मैडम खिल ने परिचय दिया जो विभिन्न देशों से यहाँ लोग आए। आज ये एक निष्ठा का प्रतीक है, ये निष्ठा का प्रतीक है कि किस प्रकार आज बापू गांधी जी के 150वें जन्म दिवस पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जगह जगह ये आप देख रहे हैं 50 सत्याग्रह, 370 दिन, 10,151 किलोमीटर। इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है, ये यात्रा का क्या अर्थ है? और मैं तो राजगोपाल जी को बधाई देना चाहता हूं कि किस प्रकार केवल इसका आयोजन ही नहीं किया पर नई पीढ़ी को जोड़ रहे हैं। ये आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारी जो नई पीढ़ी है जो वंचित रही है हमारे इतिहास से, वंचित रही है ये इंटरनेट की पीढ़ी, ये हजार टीवी चैनल वाली पीढ़ी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि इनके इनमें कैसे ये एक जागरूकता आए, एक नई चेतना आए कि अपने देश के एक सुपुत्र महात्मा गांधी जी ने अपना संदेश उस समय जब पूरे विश्व में हिंसा का वातावरण था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, उन्होंने केवल ये संदेश अपने देश में नहीं पर पूरे विश्व में ये संदेश आज भी उसका सम्मान होता है। कितने ऐसे व्यक्ति हैं पूरे विश्व में जो सम्मान करते हैं एक व्यक्ति का, महात्मा गांधी जैसे बड़ा कोई नहीं है। इसलिए आप किसी भी देश में जाइए, वो आदर करते हैं अपने नेताओं का पर आदर करते हैं महात्मा गांधी जी का। और आज जो परिस्थितियां पूरे विश्व में है, हिंसा का वातावरण है, हिंसा का वातावरण पूरे देश में कहीं भी देख लीजिए। आप दक्षिण अमेरिका को देखिए, अमेरिका में आप रोज पढ़ते हैं कि भाईचारा कैसे तो कितनी ठेस पहुंची है। आज यूरोप में कितना आज ये वातावरण है, भाईचारा का जो वातावरण है। हमारे एशिया में आप वेस्ट एशिया लीजिए, साउथ ईस्ट एशिया लीजिए, आज ये जो हिंसा का वातावरण है, जब तक लोग स्वीकार नहीं करेंगे और खास करके जब तक नई पीढ़ी स्वीकार नहीं करेगी कि महात्मा गांधी जी के आदर्शों का क्या अर्थ है, ये आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं राजगोपाल जी को, मैडम जी को और सभी यहाँ यात्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप अपना घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, अपना काम छोड़ के एक ऐसे कार्य में जुड़े हैं, ऐसे कार्य में जुड़े हैं जो केवल अपने देश के लिए ही नहीं पर पूरे विश्व के लिए एक संदेश दे रहे हैं। हमें गर्व है कि बापू जी हमारे थे, पर बापू जी केवल हमारे नहीं थे, बापू जी तो पूरे विश्व के थे। और आज वो समय है, ये मौका है, ये 150वीं साल में कि बापू जी का संदेश हम जगह जगह तक पहुंचाएं। मुझे खुशी है कि जो योगदान रहा हमारे विधायकों का, हमारे मंत्रियों का, इसमें योगदान रहा, मैं आपको भी बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने भी
जुड़ के जो हमारे बाकी साथी है इसमें जुड़ के जो ये कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया। और मैं सुरेंद्र सिंह जी का भी जिक्र करना चाहता हूँ, इन्होंने इसके आयोजन का मैनेजमेंट किया। कांग्रेस सुरेंद्र सिंह ये एक और निष्ठा का प्रतीक है। तो राजगोपाल जी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, केवल सरकार की तरफ से नहीं, केवल अपनी तरफ से नहीं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे भारत की जनता की ओर से। ये आपकी आपकी निष्ठा और आपकी पूरे टीम की निष्ठा से आज एक नई जागरूकता, एक नई चेतना उत्पन्न हुई और फिर से केवल अपना देश ही नहीं पूरा विश्व महात्मा गांधी जी के पटरी पर फिर से आए। मैं फॉर ऑल दोज हु आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, I heard from Indonesia, from Spain, even a large contingent from France. I want to thank you all. Please carry this message back home. Please carry this message back home because you are the torchbearers. You are the torchbearers of a message, of a sentiment which needs to be imbibed, especially in the new generation. So thank you all very much for participating in this. We are not only grateful to you, we are proud of you. We are proud of you that you are participating in this. So aap sabka bahut bahut dhanyawad aur bahut bahut shubhkamnaen.